वारिस पंजाब दे नाम के संगठन का चीफ और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह लगातार पिछले कई दिनों से फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन वो अब भी गिरफ्त से दूर है। शुक्रवार को जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने तख्त दमदमा साहिब में मीडिया को बुलाया है। अभी तक पुलिस अमृतपाल का कोई सुराग नहीं लगा पाई है कि आखिर वो है कहाँ पर, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अमृतपाल सिंह श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार की तलवंडी साबो के तख्त श्री दमदमा साहिब में बुलाई गई सभा में आ सकता है और यहां सरेंडर भी कर सकता है। इसे लेकर पुलिस अलर्ट है, हर संदिग्ध पर नजर रहेगी। अमृतपाल के सरेंडर की चर्चा पर बठिंडा पुलिस ने गुरुवार को तलवंडी साबो कस्बे में फ्लैग मार्च किया। हालांकि कहा जा रहा है कि फ्लैग मार्च अपराधियों के बीच कानून का डर पैदा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया था। चूंकि बैसाखी का त्यौहार नजदीक है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे और लोगों में विश्वास पैदा करना जरूरी है। 28 और 29 मार्च को सोशल मीडिया पर दो अलग अलग वीडियो क्लिप में फरार सिख कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह ने जत्थेदार से तख्त दमदमा साहिब में बैसाखी पर सरबत खालसा को बुलाने के लिए कहा था। हालांकि जत्थेदार ने इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की है। एसएसपी ने इस बात से इनकार किया कि इस कवायद का 7 अप्रैल को तख्त पर पत्रकारों की बैठक से कोई लेना देना है। अमृतपाल सिंह को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। बरेली पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रेमचंद मीणा ने पीलीभीत में 54 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता के समर्थन में किसी भी गुरुद्वारे में कोई सभा आयोजित ना हो, उसे वहां शरण्य न दी जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने को कहा गया है। एसपी अतुल शर्मा ने कहा कि हम सशस्त्र सीमा बल के साथ सक्रिय समन्वय में काम कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर गांवों में कड़ी निगरानी रख रहे हैं और आसपास के ग्रामीण इलाकों में किसी भी संदिग्ध गतिविधि के मामले में निगरानी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा नेपाल आने जाने वाले वाहनों, कृषि फसलों, विशेष रूप से गन्ने की आपूर्ति करने वाले वाहनों की जाँच तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गुरुद्वारे का एक प्रमुख शख्स अमृतसर गया था। यहाँ पर उन्होंने जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मुलाकात की। यहाँ उनसे अमृतपाल के सरेंडर पर चर्चा हुई थी, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि भगोड़ा अमृतपाल जिस गुरुद्वारे में रुका था, वहाँ से उसका पुराना लिंक है। इसी साल फरवरी के पहले हफ्ते में गुरुद्वारे में हुए समागम में अमृतपाल शामिल हुआ था। पिछले कई दिनों से लगातार पंजाब पुलिस और तमाम अन्य एजेंसियाँ भी अमृतपाल सिंह की तलाश में हैं, लेकिन वो बार बार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को छका रहा है। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल को अमृतपाल सरेंडर भी कर सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।